जल रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत बनने वाले तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है खाचोद तहसील के बाचाखेड़ी गाँव का। यहाँ सिंचाई विभाग द्वारा 3,38,00,000 की लागत से तालाब का निर्माण किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में इस तालाब की पाल टूट गई है, जिससे इस तालाब में भरा पानी व्यर्थ बह गया है। अब किसानों को इस तालाब से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। ग्राम बाचाखेड़ी और बागेड़ी की जमीन पर भी फसलों का नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि तालाब में पानी लबालब भरा हुआ था, मात्र 1 मीटर ही खाली था, जो अब पूरी तरह से खाली हो चला है। तालाब फूटने की खबर लगते ही आसपास के 4 से 5 गांव के ग्रामीणों का जमावड़ा लगता गया। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी भी पहुंचे, वो भी वहां फूटे तालाब को देख बेबस नजर आए। ग्रामीणों के अनुसार इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इंजीनियर और ठेकेदार की बड़ी गलती है, जो केवल यहाँ घूमने आते थे और चले जाते थे। कभी भी उन्होंने इसके पाल निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, इसमें पिंचिंग वर्क नहीं के बराबर हुआ है। इसमें नुकसान जनता का केवल इतना हुआ है कि इस साल पानी नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं तो इसमें जो 3 करोड़ रुपए जो लागत भी लगी है वो जनता के पैसे के सिवा टैक्स लगता है। लगी है तो उसमें तो बोर्ड जन का है, कंस्ट्रक्शन में जो लागत लगी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ठेकेदार को फिर से पूर्ण करना पड़ेगा, अलग से कोई लागत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अनुबंध हुआ है उसी के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट। इस बारिश में मतलब किसानों को फायदा नहीं मिल पाएगा, इस बारिश में किसानों को फायदा नहीं मिल पाएगा, केवल ये नुकसान। अच्छा, इसका टाइमिंग डेट कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था अक्टूबर में, 10 अक्टूबर 2018 को। जी जी, तो अब इसके लिए आगे प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी? आगे प्रक्रिया ये है कि यदि अभी हमको टाइम मिल जाता है, किसी का ऊपर वाला यदि बारिश नहीं होती है तो 15 से 20 दिन का काम है ये, फिर से किया जा सकता है। फायदा था क्या तालाब बनता? तो फायदा था, सब तालाब तो रोज देखने के लिए आते थे हमारे सिंचाई के लिए कि नहीं यार अपने कुएं में पानी भर जाएगा। हाँ? इसलिए सुबह आके देखा तो नाला में पानी इधर बागेड़ी की तरफ जा रहा, तालाब लीकेज हो गया, तो बिल्कुल हम तो ठंडे टप पड़ गए, क्या बोल नहीं सकते। इस बार आपको इस तालाब का फायदा नहीं मिल पाया? बहुत फायदा, हाँ इस साल में फायदा नहीं मिलेगा बिल्कुल। अच्छा, किसी को जनहानि आर्थिक नुकसान तो किसी को नहीं हुआ है? केवल तालाब के लीकेज हुई है, इससे पानी चला गया आपका बह के।